Hello everyone, welcome back to my channel Bio Pool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि फर्टिलाइजेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सिंपली इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो हम इस प्रोसेस के बारे में तो जानते हैं कि ये क्या डिफाइन है और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। अब हम स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ह्यूमन अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा, कैसे जाइगोट बनेगा, क्योंकि सिंपली दोनों गैमीट्स का फ्यूज़ हो जाना ये तो एक प्रोसेस है, बट वो फ्यूज़ कैसे होंगे, दोनों गैमीट्स क्या प्रोसेस है, क्या केमिकल डायलॉग्स होंगे स्पर्म और ओवम के बीच में, और जितने जैसे क्योंकि जो स्पर्म काउंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओवम, तो कैसे दूसरे स्पर्म्स जो है वो ओवम प्रिवेंट करता है उन स्पर्म्स को फर्टिलाइज हो, मतलब जो न्यूक्लियस है उसे फर्टिलाइज करने से। तो ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ देखेंगे। फिर जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मतलब टिल इम्प्लांटेशन, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में हमने फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब आपका ओवम और स्पर्म मीट होंगे, है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफियल फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से जब बाहर आया फिम्ब्रे से, ये फेलोपियन ट्यूब में रहता है। तो फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ यही बात लिखी है फर्स्ट पॉइंट में कि सेकेंडरी ओसाइट एंड स्पर्म शुड बी ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर सेकेंडरी ओसाइट फेलोपियन ट्यूब से आगे आ चुका है, यूट्रस में एंटर कर चुका है, तो तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो डीजेनरेट होने लग गया है ओव्यूलेशन के बाद, वो ल्यूटल फेज में एंटर कर चुका है। नेक्स्ट आपके पास चीज़ है कि द प्रोसेस है ड्यूरिंग विच द स्पर्म इज रिलीज इन साइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट इज इंसेमिनेशन। ये हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज इंसेमिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक FRT और फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो मोटाइल स्पर्म्स होंगे, विगरसली मोटिलिटी शो करेंगे, वाइबल स्पर्म्स होंगे, दे विल पास फ्रॉम द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स एंड एंटर द यूटरस। तो सर्विक्स क्या है, माउथ ऑफ यूटरस, तो फ्रॉम यूटरस दे विल एंटर द रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब में हमारा सेकेंडरी ओसाइट है विच इज़ रिलीज्ड बाय द ओवरी। तो जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके आस जो उसके सराउंडिंग एक लेयर है वो है ज़ोना पेल्यूसिडा और उसके आउट और ज़ोना पेल्यूसिडा के आउटर साइड में है कोरोना रेडिएटा। तो जब स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं या फिर जब यूट्रस तक पहुंचते हैं तो जो ओवम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे स्पर्म को गाइडेंस मिलती है कि ओवम कहाँ है फेलोपियन ट्यूब में। तो स्पर्म जब वहाँ पहुँचेगा तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो स्पर्म है वो कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करके सेकेंडरी ओसाइट तक पहुँचेगा। जैसे ही फर्स्ट स्पर्म पेनिट्रेट कर लेता है ज़ोना पेल्यूसिडा को, वैसे ही एग की जो मेम्ब्रेन है उसमें काफ़ी केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे अब कोई और स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन से वो एग के अंदर एंटर नहीं कर सकता सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। तो अब जब जो स्पर्म जब उसने ज़ोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके जो सिंगल स्पर्म एंटर कर चुका है तब आपका सेकेंडरी ओसाइट में जो मेम्ब्रेनल चेंजेस होंगे जिससे वो एंट्री ब्लॉक कर देगा और स्पर्म की ठीक है, तो इससे एश्योरेंस मिलती है कि ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द मैच्योर ओवम लेटर ऑन। अब यहाँ लिखा है मैच्योर ओवम लेटर ऑन, क्योंकि अभी आपका सेकेंडरी ओसाइड मियोसिस टू के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, अभी उसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास मैच्योर ओवम नहीं बना है। तो जब ये प्रोसेस होगा, स्पर्म एंट्री कर लिया है जोना पेल्यूसिडा ब्रेक करके, तब आपका सेकेंडरी ओसाइट में चेंजेस होंगे और वो अपना मियोटिक 2 डिवीजन मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी ओसाइट का इस तरह से ओजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसमें आपका मियोसिस 2 फिर से एक अनइक्वल डिवीजन है जो फॉर्म करेगा स्मॉलर सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड अ लार्ज हैप्लॉइड ओवम या फिर मैच्योर जो हमारा ओवा फॉर्म होगा। तो इस तरह से ओजेनेसिस अब कंप्लीट होगा। अब जब आपका ओजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है स्पर्म का और ओवम का वो फ्यूज करेंगे टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम या फिर प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो अब हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो एक आपके टॉपिक है NCERT में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी इन ह्यूमन बींग्स, तो ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन होता है कि आपका एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो जो फीटस है वो मेल या फीमेल डेवलप होगा। तो ये कैसे डिटरमाइन होगा, अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, मेल्स जो है मतलब फादर और मदर पेरेंट्स है ना। अब क्रोमोसोम फादर के पास XY क्रोमोसोम है, मदर के पास XX क्रोमोसोम है। तो फादर जो है वो है हेट्रोगेमेटिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और गैमीट मीन्स 2 डिफरेंट गैमीट हैं। 50% ऑफ द स्पर्म्स X क्रोमोसोम कैरी करते हैं और 50% ऑफ द स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी करते हैं। मदर के पास जो ओवम है उसमें पेयर ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। तो जो जितने भी ओवम हैं, ठीक है, जितने भी ओवम है वो सब में X क्रोमोसोम ही है। तो मदर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है या फिर हेट्रो मतलब डिफरेंट गैमीट, मतलब ऐसे कोई ओवम नहीं जिसमें 2 डिफरेंट गैमीट शो हो रहे हैं। तो फीमेल इज होमोगेमेटिक, तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी, बिकॉज मेल के पास ही 2 डिफरेंट स्पर्म प्रेजेंट है, X और वाई स्पर्म है ना। बट इसके बिल्कुल ऑपोजिट फीमेल के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम है। तो डिटर्मिनेशन फीमेल कैसे करेंगी, तो वो जो मतलब इंडियन सोसाइटी में जो मिथ्स हैं और ये सब की एक फीमेल की जो लड़कियां ही हो रही हैं ये सब, तो वो गर्ल की तो कोई गलती है ही नहीं, बिकॉज फीमेल्स के पास तो XX क्रोमोसोम है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स की यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि ये एकदम रैंडम इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। आपको भी नहीं पता कि 50% ऑफ स्पर्म्स वाई हैं, 50% X स्पर्म हैं, तो ये बिल्कुल रैंडम इवेंट है, ठीक है। तो इसमें ना फादर का कोई मिस्टेक है ना मदर का, क्योंकि ये एक रैंडम इवेंट है। तो इसीलिए अगर किसी एक जेंडर को या किसी एक सेक्स को ब्लेम करना कि ऐसा ये प्रॉब्लम है या फीमेल्स हो रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो मेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। तो अब आप देखो क्रोमोसोम्स हमने सेग्रीगेट किए, 4 गैमीट्स आपके पास बने, XY के 2 स्पर्म और XX के 2 ओवम। अब जब फ्यूजन होगा तो आपके पास रिजल्टिंग जो जाइगोट फॉर्म होगा वो 4 जाइगोट हैं, XX के 2 जाइगोट और XY के 2 जाइगोट। तो इससे हमें पता चला कि 2 डॉटर और 2 सन। तो ये एक प्रोबेबिलिटी क्रॉस है, जेनेटिक्स में आप लोगों ने 10th क्लास में भी ये क्रॉस किया होगा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन आता है, तो आप पहले थियोरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि जाइगोट क्या है, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अब जाइगोट हमारा डिप्लॉयड है, ठीक है, सिंगल सेल है। अब हम सब है मल्टी सेलुलर, तो फिर अब हमें नंबर इंक्रीज करना है सेल का और साइज भी इंक्रीज करना है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों चीज़ें, ये प्रोसेस अब होगा जाइगोट में। तो जाइगोट जाएगा माइटोसिस में और वो सब्सिक्वेंटली मूव भी करता रहेगा आपकी ओविडक्ट से, इस्थमस से अब उसे कहाँ जाना है, यूट्रस में, क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा। तो जो जाइगोट है वो जिस प्रोसेस में जाता है उसे कहते हैं क्लीवेज। तो अभी हम डायग्राम भी आगे देखेंगे। इस तरह से देखो, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 सेल्स बने, फिर क्लीवेज हुआ, 4 सेल्स बने। तो इस तरह से साइकिल होती है और जाइगोट डेवलप होता है मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में। तो उसके बीच में जो स्टेजेस हैं उनके डिफरेंट नाम हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो जो जाइगोट है वो क्लीवेज में गया और बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाए और ये डॉटर सेल्स आपके कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब जो नंबर है वो इस तरह से इंक्रीज होता है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो आपका एम्ब्रियो है जब उसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर है, हम उसे कहते हैं मोरूला, और वो कंटिन्यू होता है, डिवाइड होता है और फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिखता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स ने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म किया है। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं जब वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करते हैं। तो जो आपकी आउटर लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट है और जो इनर जो है उसे, जो इनर जो सेल्स हैं उसे हम कहते हैं इनर सेल मास, और आपकी जो सेंट्रल कैविटी दिख रहे हैं उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है, ये डायग्राम। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट हुआ जाइगोट, क्योंकि अब जाइगोट माइटोसिस में जा रहा है, क्लीवेज हो रही है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है और अब आगे सेल डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन में असाइनिंग स्पेसिफिक वर्क या फिर स्पेसिफिक फंक्शन टू दैट टिश्यूज, क्योंकि आप सेल टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 72 आवर में मोरूला फॉर्म होगा और 4 डेज लगेंगे आपके ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, अब हमने ब्लास्टोसिस्ट में देखा आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, जो इनर है जिसे हम इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, और जो कैविटी है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या फिर ब्लास्टोसील कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, अब उनके सेल्स डिवाइड होंगे, डिफरेंशिएट होंगे ताकि वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो सकें। जब एंडोमेट्रियम से आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है जब आपका ब्लास्टोसिस्ट इनर यूटराइन लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम उससे अटैच्ड होता है, दिस कंफर्म्स द प्रेगनेंसी और इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो आप इस डायग्राम में भी क्लियरली दे सकते हो कैसे इम्प्लांटेशन हुआ। ओव्यूलेशन एट ओवरी से हम स्टार्ट करते हैं, वायलेट कलर, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम दिखा रखा है। ओव्यूलेशन के बाद जो आपका अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, यहाँ ओवम लिखा है बट हमें पता है क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ। सेकेंडरी ओसाइट वहाँ पे है, वहाँ देखो स्पर्म का डायग्राम भी आपको दिखा रखा है। तो फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट बना, ठीक है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, फिर वो फर्स्ट पोलर बॉर्डर वो सब लिखा है क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट आपका मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा ना। उसके बाद आपका जाइगोट बनने के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8, 16 इस तरह से होंगी और आपका जब वो एक पूरा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाएगा फिर वो यूटराइन कैविटी पे अटैच होगा और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटराइन कैविटी इज इम्प्लांटेशन। तो ऑलमोस्ट 1 वीक पूरा लग जाएगा जब इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।